जिद करो दुनिया बदलो, ये कहावत भारतीय विमेन क्रिकेट टीम की सदस्य दीप्ति शर्मा पर आज बिल्कुल सटीक बैठ रही है। इस बार विमेन वर्ल्ड कप के फाइनल तक टीम को पहुंचाने में दीप्ति के ऑलराउंडर प्रदर्शन का भी अहम योगदान रहा। दीप्ति उत्तर प्रदेश के एक साधारण परिवार में से हैं जहाँ लड़कियों पर काफ़ी पाबंदियाँ होती हैं, लेकिन दीप्ति ने एक दिन अपने घर वालों के सामने जिद पकड़ ली। उसने उन्हें टीम इंडिया तक का सफर तय करवा दिया। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बेहतरीन ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा उत्तर प्रदेश राज्य के सहारनपुर जिले के रहने वाली हैं। दीप्ति का जन्म 24 अगस्त 1997 को आगरा में हुआ था। उनके पिता भगवान शर्मा रेलवे में रिटायर्ड चीफ बुकिंग सुपरवाइजर हैं। वहीं उनकी माँ सुशीला शर्मा एक प्राथमिक स्कूल में प्राचार्य हैं। दीप्ति अपने 7 भाई बहनों में सबसे छोटी हैं। पूर्व भारतीय खिलाड़ी युवराज सिंह की पर्सनैलिटी से मैच खेलने के कारण उन्हें वुमेंस टीम का युवराज सिंह भी माना जाता है। दीप्ति शर्मा को मात्र 9 साल की उम्र से ही क्रिकेट के प्रति लगाव हो गया था। इस दौरान वह अपने पिता से और भाई सुमित शर्मा के साथ ग्राउंड जाने की विनती किया करती थी। उनके बड़े भाई सुमित भी क्रिकेटर हैं जो स्टेट लेवल तक खेल चुके हैं। उन्होंने ही फिर दीप्ति को क्रिकेट की बारीकियां भी सिखाई। जब वह 10 साल की थी तब एक दिन अपने भाई सुमित के साथ खेल देखने स्टेडियम पहुंच गई। उस दिन एक सीनियर महिला क्रिकेटर भी वहां ट्रेनिंग देने के लिए आई हुई थी। दीप्ति भी वहीं बैठकर प्रैक्टिस देख रही थी। इसी दौरान एक बार गेंद दीप्ति के पास आ गई। उन्होंने बॉल को उठाकर स्टंप पर थ्रो कर दिया और उनका थ्रो बिल्कुल सही लगा। सीनियर क्रिकेटर ने दीप्ति का थ्रो देखकर उनसे फिर ऐसा ही करने के लिए कहा। दोस्तों उनका दूसरा थ्रो भी बिल्कुल सटीक लगा। इसके बाद उस महिला क्रिकेटर ने दीप्ति के भाई से कहा कि इसे क्रिकेट के लिए प्रैक्टिस कराओ, ये लड़की एक दिन जरूर भारत के लिए खेलेगी। दोस्तों दीप्ति शर्मा भारतीय क्रिकेट टीम की सबसे अच्छी ऑलराउंडर में से एक है। वह बेहतरीन बल्लेबाज होने के साथ साथ शानदार गेंदबाज भी है। दीप्ति उसी नंबर पर बैटिंग करने आती हैं जिस नंबर पर कभी हमारे पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह आया करते थे। इसके अलावा उनकी युवराज की तरह ही एग्रेसिव बैटिंग शैली है, इसी वजह से उन्हें वुमेंस टीम का युवराज सिंह भी कहा जाता है। दीप्ति लेफ्ट राइट का ऑप्शन बेहतरीन यूज करती हैं। वह बाएं हाथ से बैटिंग करती हैं और गेंदबाजी के लिए दाएं हाथ का इस्तेमाल करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के कारण दीप्ति 3 बार 10वीं की परीक्षा नहीं दे पाई हैं। दीप्ति शर्मा ने अपने बेहतरीन खेल की बदौलत मात्र 17 साल की उम्र में ही टीम इंडिया में जगह बना ली थी। वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए दीप्ति ने खुद को बेहतरीन ऑलराउंडर साबित किया है। इस टूर्नामेंट में उन्होंने 216 रन बनाए और इसके अलावा 12 विकेट भी झटके। इसके अलावा दीप्ति शर्मा ने एक दिवसीय महिला क्रिकेट टीम में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर भी बनाया है। उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ 188 रन बनाकर यह रिकॉर्ड बनाया था। अब तक यह रिकॉर्ड किसी भी भारतीय महिला खिलाड़ी के द्वारा एक दिवसीय मैच में सबसे बड़ा निजी स्कोर है। 22 वर्षीय युवा ऑलराउंडर दीप्ति ने भारत के लिए अब तक 48 वनडे मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 41.80 औसत से 1380 रन बनाए और 56 विकेट भी लिए हैं। वनडे में उनका सर्वाधिक स्कोर 188 रन है और T20 इंटरनेशनल की बात करें तो दीप्ति शर्मा ने अब तक 30 मैच खेलते हुए 197 रन बनाए हैं और 28 विकेट भी अपने नाम दर्ज किए हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।